हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मज़हर अहमद, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे IQ00Z7 Pro 5G के बारे में। और हमारे पास ये दोनों ही कलर अवेलेबल है। हमारे पास 8/128GB वेरिएंट में ग्रेफाइट मेट कलर अवेलेबल है, और 8/256GB वेरिएंट में ब्लू लगून कलर अवेलेबल है। तो चलिए कर लेते हैं इन फोन्स की अनबॉक्सिंग। हमें IQ में कुछ इस प्रकार का बॉक्स देखने को मिल जाता है। इस फोन के बॉक्स के अंदर हमें देखने को मिल जाता है हमारा स्मार्टफोन, एक TPU केस, कुछ डॉक्यूमेंटेशंस, एक 66 वोल्ट का पावर एडेप्टर, एक Type-C to USB चार्जिंग केबल और एक सिम इजेक्टर टूल। बात कर लेते हैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। इस फोन के अंदर हमें 120Hz के 3D कर्व्ड सुपरविजन डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और यह फ़ोन 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ में आता है। और इस फ़ोन की डिस्प्ले 1 बिलियन कलर्स प्रोड्यूस कर सकती है, और यह फ़ोन HDR10+ के सर्टिफिकेशन के साथ भी आता है, ताकि आपको अमेज़न प्राइम, नेटफ्लिक्स या कुछ भी वीडियो कंजम्पशन जो होते हैं, अगर वो HDR10+ सर्टिफाइड है तो उसका आप मज़ा इस डिस्प्ले में बहुत ही बेहतरीन तरीके से ले पाएंगे। और इस फ़ोन में हमें रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है Full HD+ का, और इस फ़ोन की जो PPI है वो है 388 की पिक्सल पर इंच। जैसा कि आप डिस्प्ले में देख सकते हैं कि इसकी डिस्प्ले कितनी ज़्यादा ब्राइट शो हो रही है। बात कर लेते हैं इस फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में। इस फ़ोन के अंदर हमें Dimensity 7200 का 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और यह प्रोसेसर 2.8GHz के साथ में आता है, और यह एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, और यह प्रोसेसर 4nm पर बेस्ड है। तो इस फ़ोन के अंदर हमें जो बैटरी एफिशिएंसी है वो बहुत ही बेटर देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं इस फ़ोन के एंड्रॉयड वर्जन के बारे में। इस फ़ोन के अंदर हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 13 देखने को मिल जाता है। इस एंड्रॉयड वर्जन के ऊपर फ्रंट टच OS की लेयर चढ़ी हुई है, और यह फ़ोन वर्चुअल रैम सपोर्ट के साथ में भी आता है। बात कर लेते हैं इस फ़ोन के बिल्ट इन डिज़ाइन एंड डायमेंशंस के बारे में। इस फ़ोन के अंदर हमें बैक में प्लास्टिक बैग देखने को मिल जाता है, डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, एक ओरा लाइट LED फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है, और राइट साइड में हमें एक पावर ऑन ऑफ बटन, और इसके ऊपर हमें वॉल्यूम अप एंड डाउन कीज़ देखने को मिल जाती है, और टॉप में हमें एक माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है, और प्रोफेशनल पोर्ट्रेट की ब्रांडिंग भी दी गई है। लेफ्ट साइड हमें पूरी क्लीन देखने को मिल जाती है, और बॉटम में हमें एक सिम ट्रे, और यह फ़ोन ओनली 2 सिम कार्ड स्लॉट ही सपोर्ट करता है, एक फ्रंट में और एक बैक में। यह फ़ोन डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट के साथ नहीं आता है, और इसमें हमें सिम ट्रे के पास में एक माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है, और एक Type-C चार्जिंग पिन देखने को मिल जाती है, और एक फ़ोन का स्पीकर देखने को मिल जाता है, और फ्रंट में हमें ईयर स्पीकर देखने को मिल जाता है, और मिडल में पंच होल कटआउट के साथ में फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं इस फ़ोन के डायमेंशंस के बारे में। इस फ़ोन के अंदर हमें इस फ़ोन की लेंथ देखने को मिल जाती है 164.1mm की, विड्थ इस फ़ोन की देखने को मिल जाती है 74.8 की, और इस फ़ोन की डेप्थ हमें देखने को मिल जाती है 7.36mm की, जो कि इस बजट में काफ़ी ज़्यादा स्लिमेस्ट फ़ोन हो जाता है। इस फ़ोन में कंपनी ने फ्रंट एंड बैक में स्कॉट सेंसेशन ग्लास की प्रोटेक्शन दी गई है, और हमें ये साइड के फ्रेम्स प्लास्टिक के देखने को मिल जाते हैं। इस फ़ोन की बैटरी के बारे में, इस फ़ोन के अंदर हमें 4600mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, और यह फ़ोन 66W फ्लैश चार्जर के साथ में आता है, तो ये और भी ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। इस फ़ोन के अंदर 5000mAh बैटरी नहीं देने का एक रीज़न है ये इस फ़ोन को स्लिम बनाने का। और गाइज, इसमें जो प्रोसेसर दिया गया है 4nm पर बेस्ड, और इसमें जो डिस्प्ले दी गई है हमें, जो आपको कभी भी इस फ़ोन में ऐसा महसूस नहीं करवाएगी कि इसमें 4600mAh की ही बैटरी है। बात कर लेते हैं इस फ़ोन के कैमरास के बारे में। इस फ़ोन के अंदर हमें प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है 64MP का 1.8 aperture के साथ में, और 2MP का डेप्थ कैमरा देखने को मिल जाता है 2.4 aperture के साथ में,
और इसमें यह रिंग वाली लाइट दी गई है जो कि वीवो क्लेम करता है कि ये एक ओरा लाइट है। और फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का 2.5 एपर्चर के साथ में वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है। और इस फोन के अंदर हमें कुछ इस प्रकार का टीपीयू केस देखने को मिल जाता है और फोन पे लगने के बाद कुछ इस प्रकार का नजर आता है। और इसमें प्रोटेक्शन के हिसाब से यह कवर दिया गया है। वीवो का ये आईक्यू सब ब्रांड है और वीवो और आईक्यू ही मात्र एक ऐसी कंपनियां हैं जो हर महीने या मतलब जब भी आपका ये कवर खराब हो जाए या येलोइस होने लग जाए तब आप सर्विस सेंटर पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट ये कवर ले सकते हैं। बात कर लेते हैं इस फोन के सेंसर्स के बारे में। सबसे पहले हम शुरू करते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर से। ये फिंगरप्रिंट काफी ज्यादा फास्ट एंड एक्यूरेट है जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस फोन के अंदर हमें एक्सेलेरोमीटर सेंसर, जायरो सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कंपास सेंसर और भी अदर्स बेसिक सेंसर्स जो भी होते हैं वो सब इस फोन के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। इस फोन के वाईफाई के बारे में, इस फोन के अंदर हमें डुअल बैंड वाईफाई देखने को मिल जाता है जो कि वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। और इस फोन के अंदर हमें ब्लूटूथ वर्जन 5.3 देखने को मिल जाता है। और इस फोन में हमें NFC देखने को नहीं मिलता है और इस फोन में हमें रेडियो भी देखने को नहीं मिलता है। और इस फोन में हमें USB टाइप सी 2.0 देखने को मिल जाता है जो कि हमारे रीड एंड राइट स्पीड में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी और ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। बात कर लेते हैं इस फोन के स्पीकर के बारे में। इस फोन के अंदर हमें ओनली लाउड स्पीकर ही देखने को मिलता है। इस फोन के अंदर हमें स्टीरियो स्पीकर देखने को नहीं मिलता है। बात कर लेते हैं फाइनल कंक्लूजन के बारे में, क्या ये फोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 24,000 के अंदर 8/128 GB वेरियंट आता है और 25,000 के अंदर हमें 8/256 GB वेरियंट भी देखने को मिल जाता है। यह आपकी पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है कि आपको कौन सा वेरियंट लेना है बजट के हिसाब से। और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप इस पर 1000 इंस्टेंट डिस्काउंट भी ले सकते हैं। तो बात करते हैं हम इस फ़ोन के बारे में, बात कर लेते हैं IQ ने एक ओवरऑल बेस्ट फ़ोन ही निकाला है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। इस प्राइस रेंज में Realme 11 Pro और Narzo 60 Pro जो कि Realme का ही सब ब्रांड है Narzo, तो ये उन दोनों को कॉम्पिटिशन देने मार्केट में आ चुका है। वैसे अगर देखा जाए तो ये फ़ोन जिस प्रकार से ये फ़ोन स्पेसिफिकेशंस ऑफर करता है कुछ कमियां भी है जो कि मैंने आपको वीडियो में बता ही चुका हूँ। ये फ़ोन इस प्राइस रेंज में ओवरऑल एक बेटर चॉइस है, वो इसलिए क्योंकि इसमें जो डिस्प्ले दिया गया है और फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, आपको पता होगा कि जो फर्स्ट फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट था वो वीवो ने ही डिज़ाइन किया था और वीवो ने ही पेटेंट किया था। इस वजह से इस फ़ोन के अंदर काफ़ी ज़्यादा फास्ट एंड एक्यूरेट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। और इस फ़ोन की जो डिस्प्ले है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुझे अदर फोन्स जैसे Realme और Narzo 60 Pro से बेटर डिस्प्ले इस फ़ोन की लगी है। और इस फ़ोन के अंदर हमें कैमरास में भी हमें OIS कैमरा देखने को मिल जाता है तो ठीक है। और प्रोसेसर भी मतलब ओवरऑल बढ़िया है। और इस फ़ोन के अंदर आप 4K रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो जिस प्राइस के साथ ये आता है उस प्राइस में ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बेहतरीन फ़ोन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इस सेगमेंट में अदर फोन्स इस फ़ोन को कॉम्पीट नहीं करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी आपके लिए Narzo 60 Pro और IQ Z7 Pro की एक वीडियो कंपैरिजन भी लेकर आऊँ। तो अगर आपका बजट 24,000 या 25,000 के अंदर आता है और आप एक बेस्ट फ़ोन लेने की सोच रहे हैं तो ये फ़ोन्स आपकी बेटर चॉइस हो सकते हैं। तो आप अगर Narzo 60 Pro के लिए भी जाना चाहें या IQ Z7 Pro के लिए भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो
हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।